मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में पानी बरसा है। भोपाल, खंडवा, अशोकनगर, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, रायसेन और ग्वालियर भीतर हो गए हैं। अशोकनगर के ईसागढ़ में तो नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर भी बह गया है। ड्राइवर ने तैर कर अपनी जान बचाई है। भोपाल में भी दोपहर में करीब 3 घंटे तक बारिश हुई थी। भिंड के दबोह कस्बे में बिजली गिरने से चमेली कुशवाहा उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई है। इसके अलावा टीकमगढ़ में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। वहीं सागर में घरों में पानी भी आ गया है। अशोकनगर में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इससे जिले के ईसागढ़ के सिरनी गांव में पुल पार कर रहा एक ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में बह गया है। गांव का रहने वाला प्रताप कुशवाहा नदी के पार सोयाबीन की फसल की बुआई करने गया था। उस दौरान तेज बारिश हो रही थी, वापस आया तो पुल पर पानी था, लेकिन ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए उफनती नदी में ट्रैक्टर उतार दिया, जिससे वह नदी में बह गया। लोगों ने रस्सी बांधकर ट्रैक्टर को बहने से रोका, वहीं ड्राइवर ने जैसे तैसे तैर कर अपनी जान बचाई है। शनिवार को सबसे ज्यादा सिवनी में करीब 2.5 इंच तक पानी गिरा है। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, धार, इंदौर, खरगोन और उज्जैन में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से 4 जुलाई की शाम को एक बार फिर मौसम बदलेगा, जिससे कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण अब मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। अधिकांश इलाकों में दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री का अंतर रह गया है। इंदौर में अधिकतम पारा 32 और न्यूनतम 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल में दिन का पारा 35 और रात का 25। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 26 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनते दिख रहा है। अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा और बारिश जोर पकड़ लेगी। इसके बाद 4 से 5 दिन तक जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत अधिकांश इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की भी संभावना है।